प्रयागराज में कस्बे के बनास नदी पर बना बत्तावर पुराई निकट पर पानी भरा होने से आने जाने वाले रास्ते पर राशनी बस स्टैंड के समीप बरसाती नाले से होकर गुजरना पड़ता है। बरसाती नाले से गाड़ियों का आवागमन नहीं होने के कारण परेशान ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय प्रशासन तक रास्ता बनने को लेकर अपनी गुहार लगाई, लेकिन कहीं पर भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। सभी जगह केवल आश्वासन ही मिला, जिससे आखिरकार ग्रामीणों ने कस्बे से चंदा एकत्रित करने का निर्णय लिया और सोमवार को नदी के उस पारे के खेत वाले किसानों ने कस्बे से चंदा एकत्रित करके जेसीबी मशीन द्वारा वैकल्पिक कच्चा पुल बनाकर रास्ता बनाया। ग्रामीणों ने बताया कि ये रास्ता गंगापुर पाली जाने के लिए सीधा रास्ता है। गूगल मैप के अनुसार यही रास्ता दर्शाता है, जिससे राहगीर रात को परेशान रहते हैं। बत्तावर पुरानी कट पर जाने का रास्ता नहीं है, इससे निराश होकर राहगीरों को गाड़ी वापस घुमानी पड़ती है। कच्चा रास्ता निर्माण होने से आने जाने वाली गाड़ियों को सुविधा मिलेगी। कच्चा रास्ता बनने से सोमीकेट खेड़ा, बत्तावरपुरा, आरणी, देवीपुरा, कड़ासा आने जाने के लिए ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। इस दौरान जगदीश चंद्र खटीक, रामेश्वर लाल, कोटबिया रजाखा, मेवाती नानू, रामकीर शंकर लाल, सालवी छोगा लाल, रेगर लालचंद रेगर, मनोहर पिनारा, बाबूलाल पुरबिया, जाकेर खान, मेवाती किशन लाल, रेगर रतन लाल माली आदि सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। खबर आपकी राजस्थान से, रतनलाल कीर की रिपोर्ट। लालचंद्र रेगर, ये कहना चाहता हूँ कि बगतावपुर निकट नदी के ऊपर निकट बना हुआ है, उस पर जाने वाने से चार पाँच साल से ये रास्ता अवरुद्ध हो रहा है पानी पड़ जाने से। उसके बाद हमने कई लोगों से, प्रशासन से, कलेक्टर से, SDM से, तहसीलदार से, सरपंच से और विकास अधिकारी से, सरपंच से खूब मतलब हमने बहुत कोशिश की। पाँच साल से हम दुखी हो रहे हैं, निकट पड़ जाने से हमारा रास्ता अवरुद्ध हो रहा है और वहाँ जाने के लिए इधर इस रास्ते से 50 गांव में लोग आते जाते हैं और नेट पे भी यही रास्ता है, लेकिन यहाँ प्रशासन ने किसी हमें ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमने अब इनको मजबूर होकर अब हमने ग्रामीणों चंदा इकट्ठा करके और हम इस रास्ते को चालू कर रहे हैं। इसको चालू करने के लिए हमने ये प्रयत्न किया, सब काम किया और ये रास्ता हमारे जल्दी चाहिए, ये इसके लिए कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और प्रशासन तो बिल्कुल नीट होके पड़ी हुई है और हम ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और हमारे निजी पैसे से हमने रास्ता चालू कराया, उसमें भी रोड अटका रहे हैं या किसी के फोन कर रहे हैं, कोई सरपंच आ रहा है, वो आ रहा है, आ रहा है, वो कोई काम करना चाहते नहीं और हमारे को और रोकना चाह रहे हैं, काम को बंद करवाना चाह रहे हैं। चंदा करके और चंदा किया हमने, जैसे बस स्टैंड और पब्लिक से चंदा इकट्ठा करके रास्ता बना रहे हैं हम।